देखिए जो ग्रिड बनाया गया हुआ है इसमें कुछ रिश्तेदार और कुछ पक्षियों के नाम छुपे हुए हैं। तो आप लोग में से एक एक आएगा कोई भी और एक रिश्तेदार का नाम खोज कर यहाँ लिखेगा और एक पक्षी के नाम को खोज कर यहाँ लिखना होगा। क्लियर? जैसे एक मैं खोज के बता देता हूँ कुछ भी। जैसे ये देखिए रिश्तेदार का नाम है ना भाई, उसको यहाँ मैंने लिख दिया। ऐसे एक पक्षी का नाम यहाँ लिखेंगे। क्या भोजा? आप यहाँ पर भी घेरा कर देंगे। हुआ, अब एक पक्षी खोजना है। बताइए क्या क्या खोजा? भुआ और कबूतर। बताइए। नानी और कौवा। क्या सही है? चलिए शाबाश, क्लैपिंग करिए रिया के लिए। क्या खोजा आपने? बुलबुल। रिश्तेदार है या पक्षी? सही प्लेस पे लिखिए। बताइए। चाची और बुलबुल। चाची रिश्तेदार है ना, और बुलबुल पक्षी है। ध्यान रखना चाहिए आपको, रिश्तेदार को रिश्तेदार में लिखेंगे और पक्षी को पक्षी में। मौसी। सही। अभी पक्षी खोजिए। क्या क्या खोजा? मौसी और चील। शाबाश। चलिए पहले रिश्तेदार पढ़ेंगे फिर पक्षी पढ़ेंगे। यस, अब पक्षी पढ़िए। कौन कौन से? कबूतर, कौवा, बुलबुल, चील। गुड।